करौली में भी लोकसभा चुनाव के लिए अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान दल को रवाना किया गया। करौली धौलपुर लोकसभा सीट के लिए प्रथम चरण में कल 19 अप्रैल को मतदान होगा। करौली जिले में 1000 से अधिक बूथ बनाए गए हैं। मतदान के लिए प्रत्येक विधानसभा में 8 महिला मतदान दल भी नियुक्त किए हैं। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी नीलाभ सक्सेना, SP ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने कार्मिकों को निष्पक्ष और भयमुक्त होकर मतदान संपन्न कराने के निर्देश दिए। हमने जो भी संवेदनशील मतदान केंद्र हैं उस पे एक हाफ सेक्शन जो CAPF का होता है, 1-3 का केंद्रीय पुलिस बल का, वो लगाया हुआ है। बाकी हमने लॉ एंड ऑर्डर सेंसिटिविटी के हिसाब से जो मतदान केंद्र है उस पे एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स लगाया हुआ है, 1-2 का जाप्ता। उसके अलावा हर विधानसभा क्षेत्र में 3 क्विक रिस्पॉन्स टीम है और 3 स्ट्राइक फोर्स हैं, जिनमें CAPF का, सेंट्रल फोर्सेस का एक गाड़ी दे रखी है। तो हर विधानसभा क्षेत्र में 6 टीमें जो विधानसभा क्षेत्र में कोई भी बात होती है उस पे वो टैकल करेंगी। हर विधानसभा वाइज 10% हमारे पोलिंग पर्सनल हैं, वो रिजर्व हैं, जो SDO हेडक्वार्टर पर रहेंगे, जहाँ भी जरूरत होगी उसको रिप्लेस कर सकेंगे। यदि किसी की तबीयत खराब हो या कोई मतदान दल में कोई दिक्कत हो जाए या कोई धीमा चल रहा है तो वो असिस्ट के लिए उनको लगा सकेंगे। इसी तरह रिजर्व मशीनें हैं, वो भी हमारा इंटरमीडिएट स्ट्रॉन्ग रूम है, वो SDO हेडक्वार्टर पर बना हुआ है, वो वहीं पर आज भिजवा दी गई हैं और वो सेक्टर ऑफिसर के साथ कल सुबह 4 बजे उनको दी जाएंगी। जो कहीं भी रिप्लेसमेंट की अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनको रिप्लेस कर देंगे।